नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और फेस्टिवल्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं तो बहुत दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी, उसका कारण मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए, फिलहाल मैं ऐसे बैठी नहीं थी, कुछ ना कुछ कर ही रही थी, तो मैं थोड़ा सा उसका फुटेज आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं जो भी DIY करी हूँ, और मुझे अफसोस भी हो रहा था कि मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर रही हूँ। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप तो जानते हो कि मैं जो भी DIY करती हूँ वो वेस्ट मटेरियल से ही होते हैं, और हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं मैं उन्हीं से बताती हूँ। ये सभी मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं, जो भी मेरे पास प्लेट्स वगैरह थे। और आज हम कैंडल होल्डर बनाने वाले हैं, जिसमें कि हम अगरबत्ती के पैकेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये तो हम सभी के घरों में होता है और हमारे यहाँ बहुत सारे पैकेट्स जमा हो जाते हैं। कैंडल होल्डर बनाने के पहले आप सभी का आपके चैनल दियाज क्रिएटिव DIY डेकोर बास्केट में स्वागत है। मैं हूँ मीठा। चलिए हम बनाते हैं। तो पैकेट्स को मैंने कट कर लिया है और इसे प्लेन कर लिया है, और इसमें हमें जो भी पैटर्न बनाना है हम ड्रॉ करते जाएंगे और उसे कट करते जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले ये पैटर्न बनाया है, और इसमें टी लाइट कैंडल रख कर हम इसमें चेक कर लेंगे और जगह बना लेंगे कि कहाँ पे हमें करना है। और इस तरह के मैंने 5 बनाए, और ये मैं दूसरा डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये मैं 2 बनाऊँगी ये डिज़ाइन को। और हमें हमेशा सभी पे कैंडल आपको जहाँ भी रखना है वहाँ पे एक स्पेस हम राउंड शेप में कर लेंगे। और ये मैं डायमंड शेप का बना रही हूँ। तो इसे कट करने में मैंने सीजर का इस्तेमाल किया, और फिर पेपर कटर जो आता है ना उससे भी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अंदर का सीजर से काटने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, बट लास्ट में सीजर यूज़ करना ही पड़ा मुझे। और ये देखिए, इस तरह का शेप मैं 10 बनाई हूँ। मुझे 2 बनाने हैं टी लाइट कैंडल होल्डर, और इसे हम इस तरह से सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद इसमें 2 सर्कल मैं कट करी हूँ, तो उस सर्कल में ग्लू लगाकर हमें इसे पेस्ट कर देना है दोनों साइड से, ताकि ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। ये देखिए, इसे हम पेस्ट कर लेंगे। और ये मैंने 2 बनाया है। और अब मैं एक मंडाला आर्ट का हाफ फ्लावर टाइप डिज़ाइन बना रही हूँ, तो इसे मुझे वॉल के पास रखना है, इसलिए मैंने हाफ कट किया है ताकि वॉल में सेट हो जाए ये। और इसे भी मैं कट कर लूँगी शेप में। ये मैंने 2 बनाए हैं। और ये देखिए, माँ लक्ष्मी के मैं पैर बना रही हूँ, तो इसे भी मैं एज अ कैंडल होल्डर रखूँगी। तो इसका देखिए हमें कट कर लेना है, और दूसरा जो बनाना है तो उसे हम उल्टा करके बनाएंगे। तो जैसे उल्टा करके शेप लेंगे तो हमारा जो दोनों पैर है ना वो सेट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 5 डिज़ाइंस बनाए हैं। और अब मैं पुट्टी पाउडर ले रही हूँ, थोड़ा सा ग्लू और वाटर को मिक्स करके इस तरह का हम इसे के पेस्ट बनाएंगे। और ये मेरे पास सेलो टेप के टेप जब ख़त्म हो जाता है तो मिलता है ना राउंड वाला, उसी से मैं कर रही हूँ। और इस तरह से हम सभी पे पेस्ट डाल देंगे। तो ये देखिए, ताकि मैं इसे इसलिए बिल्कुल हमें एक क्वाइन की तरह इसे बनाना है पतला सा, ताकि हम जो भी कैंडल रखे इस पे तो वो सेट हो जाए आराम से, इस पे स्टैंड हो जाए। और इस तरह से मैंने सारे को बना लिया है। और ये देखिए, सूखने के बाद ये कैसे लगे। और फिर हम इसे वाइट पेंट से पेंट कर देंगे। मैं एक्रिलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ। और अब हम चलिए सभी में डिज़ाइन पेंट करेंगे। तो इसमें मैंने ऑरेंज कलर लिया है, आप चाहें तो कोई सा भी कलर ले सकते हैं। और फिर मैं येलो कलर यूज़ करी हूँ, बट एक्चुअली ना येलो कलर मैं दी थी, तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप इस पे डबल कोट कर दीजिएगा। बट फिर मैं सोची कि थोड़ा सा शाइन होना चाहिए, दीपावली का समय है, तो मैंने इसमें पर्ल कलर यूज़ किया। आप येलो में गोल्डन मिक्स करके ऐसा कलर बना सकते हैं। और ऑरेंज कलर में मैं थोड़ा सा गोल्डन पाउडर का टच दी हूँ। फिर मैं इसमें मिरर लगा दी, और ये मैं पैर बना रही हूँ। तो इसमें मैंने रेड कलर से इसे पेंट किया, और थोड़ा सा मरून कलर से मैं इसका आउटलाइन कर रही हूँ, जैसे पैर में आलता लगा होता है ना। और इसमें मैं मिरर स्टिक कर दूंगी। तो ये हमारा पैर बन गया।
तो इस तरह से हम पैर बना लेंगे। दोनों को मैंने इसी तरह किया और इसमें मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। तो ग्रीन कलर को हम जो भी हम पेंट करेंगे ना उसका डबल कोट करेंगे तो वो पेंट अच्छा होगा। और ये देखिए डबल कोट करने के बाद ये सूख गया है। तो अब मैं इस पर येलो कलर से, मस्टर्ड येलो लीजिएगा या जो भी कलर आपको लेना हो, मैं इसे डॉट डॉट कर दे रही हूँ आउटलाइन से। और ये मेरे पास ना अगरबत्ती के ही बॉक्स थे, बहुत ही अच्छे थे, गोल्डन कलर के मुझे अच्छे लगे, तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कट करके रख लिए हैं। कभी ना कभी इस्तेमाल हो ही जाएगा और देखिए आज काम आ गया। तो इसे मैं रैंडमली स्टिक कर दूंगी, कहीं पे भी आप जैसे चाहें वैसे स्टिक कर सकते हैं, कोई सा भी डिज़ाइन बनेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। तो इस तरह के अगर अगरबत्ती के डब्बे हों ना या कार्ड हों आपके पास, तो उसे छोटा छोटा कट करके रख लीजिए। हमें ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा। और ये मेरे पास लेस थे, 10 रुपये मीटर मुझे मिला था मार्केट से, तो मैं इसी को इसमें स्टिक कर ले रही हूँ बॉर्डर पे। और यहाँ से मैं कट कर लूँगी इसे। और ये हमारा कैंडल होल्डर तैयार हो गया। और इसे मैं रेड कलर से कर रही हूँ, तो इसमें एक कोट में ही मेरा हो गया, बट फिर भी डबल कोट में डाली थी तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, शाइन आता है डबल कोट करने से ना। और इसे मैं मस्टर्ड येलो से करी हूँ। और यहाँ पे बॉर्डर पे मतलब जो आउटलाइन है वो मैं गोल्डन कलर से कर रही हूँ। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा। और थोड़ा सा मैं इस पर इस मिरर स्टिक कर दूंगी। तो बीच में मैंने जो है बड़े और छोटे दोनों मिरर मैंने स्टिक किए हैं, आपके पास जो भी हो आप उसे कर सकते हैं। और अब आई इसकी बारी। तो इसे मैं ब्लू कलर से कर रही हूँ, क्योंकि ब्लू कलर का कुछ भी नहीं था, सारे कलर कलरफुल हमें करना है, तो मैंने इसे ब्लू चूज़ किया है। मैं सभी एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा साइन के लिए मैं पर्ल कलर यूज़ करी हूँ बीच बीच में, लेकिन अगर आपके पास पर्ल कलर नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा गोल्डन मिक्स कर दीजिएगा, तो वो शाइन वाला उस तरह का कलर बन जाएगा। और ये देखिए मैं इसमें स्क्वायर शेप का मिरर स्टिक कर रही हूँ, तो पूरे में मैं इसी तरह से मिरर स्टिक कर दूंगी। और ये देखिए हमारा बनकर रेडी हो गया। ये भी आप इसे एज अ वॉल हैंगिंग भी यूज़ कर सकते हैं, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए रात के टाइम मैं अभी कैंडल जला कर नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल न्यू यूज़ करना चाह रही हूँ। अभी मैं रख दूंगी तो ये थोड़ा ओल्ड हो जाएगा दीपावली के दिन। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ, आप कैंडल रखिएगा, बहुत ही डिज़ाइन कैसे कैसे हमें इसे रख सकते हैं, एज अ रंगोली भी बहुत अच्छा लगेगा ये। और इसी तरह से हमें सभी को रखना है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं जो भी वेस्ट मटेरियल से DIY वीडियो बनाऊं वो आपको तुरंत मिल सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।